सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में आपके खिदमत में सी नारायण उपस्थित हो गया है भाई। आज के दिन विशेष जो है 5 अक्टूबर के, तो 5 अक्टूबर के दिन विशेष जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में, तो ज्ञानवर्धक मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा भाई, लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सी नारायण का आपको सस्नेह नमस्कार कीजिएगा स्वीकार। और ये रहा आज का सुविचार, तो आज का सुविचार यह है, पहला सुविचार, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। छोटा सा सुविचार, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। दूसरा सुविचार, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, होकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जी हाँ मैंने भाइयों, तो ये हुआ आज का सुविचार, आज के ये दो सुविचार प्रेरणादायी सुविचार। अब आज का सवाल, सवाल ये है कि पूरे दिन में, जी हाँ पूरे दिन में 22 घंटे सोने वाला आलसी जानवर कौन सा है। जी हाँ मैंने भाइयों, 24 घंटों में से तकरीबन 22 घंटे ये जानवर सोता ही है, तो ऐसा कौन सा जानवर है ढूंढिए और सोचिए, और अगर जवाब ना मिला तो वीडियो के अंत तक बने रहे, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। आज जागतिक यानी विश्व शिक्षक दिन है, कई देशों में आज विश्व शिक्षक दिन मनाया जाता है, जैसे कि पोलैंड, सिंगापुर आदि आदि देशों में। तो चलिए बहनों भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं 5 अक्टूबर के दिन विशेष, जिसमें यह है आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1864 में भयानक चक्रवात के कारण कलकत्ता शहर का बहुत नुकसान हुआ भाई, इसमें 60,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 1910 में पुर्तगाल में राजसत्ता का अंत हुआ और देश में प्रजासत्ताक का निर्माण किया गया, यानी देश प्रजासत्ताक बना। 1948 में अशगाबाद में आए भूकंप के कारण करीबन 1,10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 1955 में भाई तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT इस कंपनी का उद्घाटन किया और देश के औद्योगिक विकास में इस कारखाने का महत्वपूर्ण स्थान है। 1962 में डॉक्टर नो, ये फिल्म का नाम है डॉक्टर नो, ये पहली जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म प्रदर्शित हुई। 1989 में मीरा साहेब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। 1995 में कुसुमा ग्रज का प्रतिष्ठान का जनस्थान पुरस्कार कवयित्री इंदिरा संत को घोषित हुआ। 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार घोषित हुआ। 1944 में भाई फ्रांस की महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। 1946 में फ्रांस के कांस शहर में आयोजित पहले कांस फिल्मोत्सव का समारोह संपन्न हुआ। सन 1676 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1789 में फ्रांस राज्य क्रांति के दौरान पेरिस की महिलाओं ने वर्सेलिस तक मार्च किया। 1793 में फ्रांस राज्य क्रांति के दौरान वहां ईसाई धर्म की स्थापना हुई। 1880 में अलोंजो
टी क्रॉस, अलोंजो टी क्रॉस ये व्यक्ति का नाम है, इन्होंने पहले बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट करवाया। 1989 में तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो इनको मानवाधिकारों के क्षेत्र के कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1995 में आयरलैंड के साहित्यिक कवि हिनी, इनका नाम है हिनी, इनको 1995 का साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 1997 में राजधानी कंपाला से नाइल नदी के स्रोत जिंजा में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। 1997 में टेबल टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति, इस जोड़ी ने जिम कुरियर और एलेक्स ओ ब्रायन इनको हराकर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, इन्होंने सेनाध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया। 2005 में खुशमिजाजी में भारत चौथे नंबर पर रहा। 2007 में परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के बीच समझौता हुआ। 2011 में इसराइल के रसायन शास्त्री डैनियल शेचमैन इनको 2011 का नोबेल पारितोषिक प्रदान किया गया। 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2,250 रुपये का टैबलेट पीसी आकाश जारी किया गया। 1905 में राइट फ्लायर 3 इस विमान से राइट बंधु ने 39 मिनट में 24 मील का अंतर काटकर विश्व विक्रम स्थापित किया। 1970 में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी PBS की स्थापना हुई। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन जो है भाई 5 अक्टूबर के तत्वज्ञ और हरिजन समाचार पत्र के संपादक किशोरीलाल घनश्यामलाल मशरूवाला 1890, लेखक संपादक यदुनाथ थत्ते 1922, गुजरात के राज्यपाल कैलाशपति मिश्र 1923, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी माधव अपटे 1932, चेक रिपब्लिक के पहले अध्यक्ष वोक्लाव हेवाल वोक्लाव हेवल 1936, वाल्टर वुल्फ रेसिंग के संस्थापक वाल्टर वुल्फ 1939, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सरबिंदु मुखर्जी 1964, ब्रिटिश अभिनेता केट विंसलेट 1975, गोंडवाना राज्य की राज्यकर्ती रानी दुर्गावती 1524, दुनिया के सबसे सफल फूड और ऑपरेशन में मैकडोनाल्ड का रूपांतर करने वाले अमरीकी फास्ट फूड टाइकून रेमंड अल्बर्ट क्रोक 1902 में इनका जन्म हुआ। पद्मश्री से सम्मानित, नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय संगीतकार राम चतुर मलिक 1902, मेवाती घराना के शास्त्रीय गायक कलाकार संजीव अभ्यंकर 1969, सिंगर ऐश्वर्या मजुमदार 1993, अभिनेता अनुज सचदेव 1984, पॉलिटिशियन
गुरुदास कामत 1954, पॉलिटिशियन नरबहादुर भंडारी 1940, पुना ब्लाइंडमैन एसोसिएशन के संस्थापक टी एस बम्हनकर तथा अप्पा साहेब बम्हनकर जो दृष्टिबाधित थे, 1925 में इनका जन्म हुआ था। सिनेमेटोग्राफर का पेटेंट करवाने वाले जिनका नाम है लुइस जा लुमीरे 1864, अर्जेंटीना के रेस कार ड्राइवर जोसे फ्रोलैन गोंजालेस 1922, अभिनेता पॉलिटिशियन व्यंगकार और नाटककार निर्देशक जिनका नाम है चो रामस्वामी 1934, अभिनेता आदिल हुसैन 1963, अभिनेत्री शताब्दी रॉय 1969, क्रिकेट खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर 1999, झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार 1940, औरंगजेब की द्वितीय कन्या जीनत उन निसा बेगम तथा पादशाह बेगम 1643 में इनका जन्म हुआ था, अभिनेत्री नीलम उपाध्याय 1993। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन देखते हैं जो इस प्रकार हैं। वार्नर ब्रदर्स के संस्थापक सैम वार्नर 1927, भारतीय पुजारी वर्गीस पाईपल्ली पलक्कुपल्ली 1929, हिंदी लेखक पद्मभूषण से सम्मानित भगवती चरण वर्मा 1981, टपरवेयर के संशोधक अर्ल टपर 1983, नाटककार समीक्षक हिंदी कवि पद्मभूषण से सम्मानित राम कुमार वर्मा 1990, इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका 1991, पद्मश्री से सम्मानित बैरिस्टर परशुराम भवान राव तथा अप्पा साहेब पंत 1992, संसद पटु फॉरवर्ड ब्लॉक के सर चिटनिस चित्त बसु 1997, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक स्टीव जॉब्स 2011, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकीय अधिकारी और भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805, शास्त्रीय गायक कलाकार विजय सरदेशमुख 2019, हिंदी उपन्यासकार दुर्गा प्रसाद खत्री 1937 और हास्य कलाकार पराग कंसारा 2022। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। भाई इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन भाई आज के सवाल का जवाब देते जाऊँ तो सवाल ये था कि पूरे दिन में 22 घंटे सोने वाला आलसी जानवर कौन सा है। तो भाई पूरे दिन में 22 घंटे सोने वाला ये आलसी जानवर है कोआला, है ना। ये शाकाहारी प्राणी है और ये यूकिलिप्टस के पेड़ों पर पाया जाता है। ख़ास करके ये जंगली जानवर है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में यूकिलिप्टस के जंगलों में ये पाया जाता है। जी हाँ बहन भाइयों, और यूकिलिप्टस के पत्ते ये खाता है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब लेता हूँ विदा भाई, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इस उम्मीद के साथ अब लेता हूँ विदा। दीजिए श्री नारायण को आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब।